वही पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच, और ये टॉस हो रहा है अब पाकिस्तान का। Scotland, but of course tonight it's Pakistan. You've got PSL experience with Quetta. How is the strength? How is the weakness? Changes? Are you keeping the same team, the winning team, or have you made changes? Yeah, the winning team. Winning to Abdul Barra. Two top matches, two wins. What's the mood in the Pakistan camp? Obviously, when you were first game. So we are in the good setting. So we are trying to continue that momentum. With so many big players performing as captain, how much better for you for your job with Shaheen and Harris and Rizwan all performing? How good is that for you? Cricket is a team game. So I am lucky to have a match winner place. So this is it for me also. Barbara, this is a strong Afghanistan team. Is there anyone you fear? We cannot write off any player or any team. So they have a good spinner. So we trying to looking forward to the test today. And finally, head for Pakistan tonight. Yeah, we are going to same game. Same winning formula. Thank you very much. Thank you very much indeed. So Mohammad Nabi, Afghanistan's captain, has won the toss. Afghanistan will bat. ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। सो पाकिस्तान टॉस हार गया है और अफगानिस्तान ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया है। कोई मसला नहीं है, कोई प्रेशर नहीं लेना, कुछ नहीं, सारे हम दोस्त हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारा फ्रेंडशिप गेट भी है बॉर्डर पे, हम आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से कोई मसला नहीं है, अफगानिस्तान हमारा PSL भी खेलते हैं आगे और हम भी उनकी लीग में जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है। बट अभी सारे अपनी नेशनल ड्यूटी पे हैं, तो वो अपनी परफॉर्मेंसेस खुद देंगे जिस तरह उनको देनी है। तो देखते हैं अभी क्या बनता है। अफगानिस्तान पहले बैटिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान को वही मोमेंटम रखना है जो उनका है पहले से, इंशाल्लाह वही रखेंगे और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। ये हम हैं रेडी, तो हम रेडी हैं, तो अब देखते हैं कौन बाजी मारता है। पाकिस्तान जीत के क्वालिफाई किया तो मैं फिर वो दूंगा पार्टी, क्योंकि मेरे ननिहाल वाले मेरे घर पर आ रहे हैं, तो भाई इनको पार्टी तो देनी पड़ेगी। तो अगर पाकिस्तान जीता क्वालिफाई करके तो आज पार्टी पक्की है, तो ये भी ब्लॉग में देखिएगा ज़रूर। देखें कोई बात ऐसी है कि आज हमारे सारे फ्रेंड्स ने ये फैसला किया है कि आज हम बाहर नहीं लगाएंगे LCD, मतलब आज हम क्योंकि एज अ फ्रेंड मैच, मतलब फ्रेंड्स हमारा दोस्त मतलब मैच है, वैसे तो नहीं जीतना तो है मैं, लेकिन वैसे तो मतलब तब वो न्यूजीलैंड और इंडिया ने जो किया हमारे साथ, इसलिए हमने LCD बाहर लगाई थी ताकि जोश उसके जोश के लिए। लेकिन अभी कोई ऐसा कोई बात नहीं है, सारे अपने अपने घर पे हैं, घर पे देख रहे हैं बैठ के, मैं भी अपने घर पे बैठ के देख रहा हूँ। इस सितारे में हमारी जान है, तो उसको सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान पूरा दुनिया में सब पाकिस्तान की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से। और अभी सारे अपने घर पर बैठ के देख रहे हैं, आज LCD नहीं लगा रहे, जिस दिन बड़ा मैच होगा किसी के साथ जिन्होंने हमें किया है दो नंबरी, तो उनके आगे हम LCD लगाएंगे। तो अभी हम घर पे देख रहे हैं, तो देखते हैं क्या बनता है पाकिस्तान का। ये पीछे मैच का आ रहा है नेशनल एंथम, तो ये अभी देखते हैं क्या बनता है। Thank you.
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैच शुरू हो गया है, देख सकते हैं आप। आवाम आना हमारी शुरू हो गई, हमारे भी आवाम आना शुरू हो गई है, और अफगानिस्तान की भी आवाम आना, क्राउड शुरू हो गई आना। तो ये मैच शुरू हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान का, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पता नहीं मुझे बिलाज अच्छा लगता है, हज़रतुल्लाह सही। और ये भी कम नहीं है हमारे शहजाद भाई, तो देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन हमारे शाहीन भाई भी कम नहीं है, याद रखिएगा ये आप। पहले गोल पे बोल ना मारते हैं, बस बिस्मिल्लाह पढ़ के खेलिएगा, ठीक है। BLM मूवमेंट जो हुआ है उसके लिए रुके हैं ये। BLM मूवमेंट का आपको पता है, बाकी इसलिए रुके हुए हैं, शुरू हो रहा है मैच। हम लोग तो भाई दिल पे आदर रखते हैं। कोई बात नहीं, वो है शाबाश शाहीन, शाबाश शाहीन, शाबाश शाबाश शाबाश, कोई बात नहीं लड़के, शाबाश। सजाई का लंग क्या पहला नंबर, सजाई आउट हो गया, मजा आ गया, बिग हिटर, यस। हजरत भाई be out. Wow, bhai, wow, maza aa gaya. 19 years of age. The power behind that, it was absolutely in the middle, but when he struck it, the head position, all that still. And everybody in the ground knew it was six. Once that noise, yes, oh Afghanistan, you're playing into their hands. Nasser's alongside, here they continue to take wickets. Oh, the trouble here, trouble's got to be a good throw. 153, that is 95 miles an hour. Delivery to first up, you don't want that. And that equals the top delivery by Shahab. 32.7 meters. And he threw as he came to the left hip of shot in the knee, which sort of ran after it. Just he felt too strong on this guy, left side. Yeah, all right.
पाकिस्तान वन द मैच वर्सेस अफगानिस्तान। मैंने बोला था कि मैं पार्टी दूंगा पाकिस्तान के जीतने में, तो पाकिस्तान जीत गया, तो पार्टी बनती है। तो अब देखें क्या तैयारी हो रही है पार्टी। पाकिस्तान जीत गया मैच और क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल पे। और ये बिरयानी अब आपने देखी होगा पूरा ब्लॉग में, पिछले के वीडियो में, पिछले क्लिप्स में, कि कैसे हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं पाकिस्तान जीतने पर। फिर ननिहाल को दावत है, तो मज़ा आ गया। पाकिस्तान क्वालिफाई करके सेमीफाइनल के लिए इंशाल्लाह, और ये फाइनल भी जीतेगा, वर्ल्ड कप में ले जाएगा पाकिस्तान। जिंदाबाद, क्वालिफाई कर गया, यस सेमीफाइनल सेमीफाइनल। भाई पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल से, जो बात है यार, ना आ रहा है कसम से, सेलिब्रेशन हो रही है भाई। भाई मीम्स इन पाकिस्तान देखे हैं जो बनी है इस मैच के बाद, वैसे बनी चाहिए, बिकॉज हमारा अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क है, हमारे भाइयों की तरह मुसलमान है, बट लोगों ने बनाई है तो आपको दिखा देते हैं। सब जानता हूँ, और तेरे को बिना वजह पीटा उसने, कोई वजह नहीं थी भाव। उसने तो आपके माँ बाबू जी को भी चार पांच गालियां दी और मुझे भी चार पांच ठोक दी। उल्टा लगा के देता उन लोगों को। अरे उसी वक्त आपका ख्याल आ गया, इसलिए हाथ रुक गया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा? ए, तुम दोनों चुप बैठे हो, इसलिए मैंने भी अपनी जबान बंद रखी है, वरना मैं तुम लोग साले थकेले ना, धमकी देने के अलावा कुछ कर तो नहीं सकते। मेरी खोपड़ी सन के ना तो दांत तोड़ दूंगा साले का मैं। तुम लोग हंस रहे हो, तुम लोग क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? सामने आने दे, उसको बोल दूंगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। और गोपाल, ये दो कमीने हैं ना, मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे, मालूम है? मानेगा तो मैं बर्तन नहीं दूंगा, बोल रहा हूँ। ठीक से साफ नहीं कर रहा क्या? ये देखिए गंदा है, चल मेरे से साफ कर, चल 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 चल।
भाई दुबई में क्राउड की सेलिब्रेशन देखें, पाकिस्तानी क्राउड की, के पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया है, तो देख लें सेलिब्रेशन। आप लोग शायद मजाक मजाक में भूल गए हो, लेकिन मुझे याद है न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड को भी स्कोर्टी का मसला था। शोएब अख्तर की सेलिब्रेशन देखते हैं तो शोएब अख्तर क्या कहना है उनका। वैसे वो कोई इतनी सेलिब्रेट नहीं करेंगे बिकॉज अफगानिस्तान हमारे भाइयों की तरह है, ये तो सबको जानते हैं, पूरी दुनिया तो देख ले। के साथ अली लिखा हो तो कुछ गलत हो नहीं सकता उसके साथ। और आसिफ ने फाइनली ये प्रूव करके दिखाया आपको कि अगर आपके पास 10 की एवरेज भी हो, 12 की भी हो, तो वो है ना। अगर जब वो है तो फिर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कमियों की बात करेंगे पाकिस्तान टीम की, क्योंकि पाकिस्तान टीम जहां पे हसन अली की बॉलिंग मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करूंगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि रिदम आ रहा है उनका। थोड़ी फिटनेस के मसाइल थे लेकिन रिदम आ रहा है, कैचअप कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो आने वाले वक्तों में बहुत अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब हो जाएगा, बिकॉज उनके ऊपर होप लूज आउट करना एक अच्छी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बैटिंग जो है थोड़ा सा हम अपने आप को मुसीबत में डाल देती है। स्ट्राइक रेट को बेहतर करना होगा कप्तान समेत, और मिडिल ऑर्डर में रन ओवर करना होगा आपको, और इतनी मुसीबत अपने आप को नहीं डालनी चाहिए जितनी उन्होंने डाली। थोड़ा स्ट्राइक रेट कप्तान को बेहतर करना होगा, बाबर आजम बीइंग अ ग्रेट गाय एंड अ ग्रेट बैट्समैन थोड़ा स्ट्राइक रेट को बेहतर करे ताकि इतनी मुसीबत आपको ना आए। देन हफीज लुक्ड अ बिट आउट ऑफ टच, बट इन अगेन हैविंग सेड दैट इज अ ग्रेट बैट्समैन व्हेन इट कम्स टू टी20। थोड़ा सा एक्सेलरेट करें ताकि आसिफ पे प्रेशर कम आए, लेकिन व्हाट अ रिलायबल गाय आसिफ अली, और दो इनिंग्स खेली हैं और आपको मैच जिता के पासे कर दिया उन्होंने। आसिफ इट्स उन भाइयों के शाहिद अफरीदी आ गए हैं, मैं देख रहे दुबई में स्टेडियम, तो शाहिद अफरीदी को भी देख लेते हैं वो क्या कहने हैं उनका इस बारे में, और आसिफ अली के छक्कों के बाद उनको खेल रहे हैं। यार अल्हम्दुलिल्लाह मैच बहुत जबरदस्त हुआ है, अफगानिस्तान ने भी बड़ी अच्छी फाइट बैक की है, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बाबर की इनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, शोएब मलिक का एक जो छक्का था राइट टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और आसिफ अली। सर आपको लगा कि आज शाहिद अफरीदी खड़े हैं उधर? शाहिद अफरीदी से ज़्यादा अच्छा खेल गए। अरे पब्लिक मैसेज देखें कि वो क्या पब्लिक मैसेज देते हैं जीत के। ये
किया, फुल जैम पैक स्टेडियम था, पाकिस्तानी अवाम फैंस और जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, जिस तरह उन्होंने जिसके लिए आए थे, जिस तरह T20 ज्वाइनमेंट की क्रिकेट है तो जिस तरह आज एंटरटेनमेंट हुए हैं, एज अ क्रिकेटर मुझे बड़ी खुशी हुई है जिस तरह हमने लोगों को एंटरटेनमेंट किया। मेरे ख्याल से 10 से 15 रन ज़्यादा हुए हैं जिस तरह की हमारी बॉलिंग है और जिस तरह अर्लियों हमने स्टार्ट किया, अर्ली विकटें ली और उसके बाद डेथ में मेरे ख्याल से थोड़ी सी बॉलिंग में थोड़े से रन हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अप एंड डाउन होते रहते हैं, इसी से सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें रिपीट ना हो। मेरा रोल यही था कि मैं एंड तक लेके जाऊँ अर्ली ऑन, जो हमने प्लान किया था वो एक अच्छी पार्टनरशिप का पहले 6 ओवर्स, लेकिन क्रेडिट उनको भी देना चाहिए, उनके क्वालिटी बॉलर्स हैं, जिस तरह उनके पास वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और थोड़ा सा मैंने उस दौरान कोशिश यही की, अपना प्लान चेंज किया कि मैं डीप जाऊँ थोड़ा सा और जहाँ मुझे बैट बॉल मिलेगा उसको यूटिलाइज करूँगा और वही हुआ। और जब शुएब भाई मेरे साथ थे तो उन्होंने कहा था कि जितना और थोड़ा सा डीप ले जाओ, तो वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मुझे लगा कि मुझे शॉट खेलनी चाहिए, लेकिन क्रेडिट टू आसिफ अली जिस तरह उसने मैच फिनिश किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने 2 मैच में आउटस्टैंडिंग वो चीज़ की है, 1 ओवर में मैच ख़त्म कर दिया, तो मेरे ख्याल से एज अ टीम एज अ कप्तान मुझे बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि यार आपका ऐसा प्लेयर जब मैच विनिंग परफॉर्मेंस देता है तो मेरे लिए काफ़ी खुशाइन बात है। अफगानियों को देखें, अफगानियों को इतनी क्रिकेट से मोहब्बत है, मतलब उनका पैशन है, वो लोग कहते हैं तो वो क्रिकेट के लिए देखें स्टेडियम के अंदर घुस के जा रहे हैं, लेकिन वो उनको देखना है मैच भाई, क्या सेलिब्रेशन देखें और हैप्पी बर्थडे टू द पाकिस्तानी बैटिंग कोच मैथ्यू हेडन, जिनकी कल बैटिंग मतलब जिनकी कल बर्थडे की सेलिब्रेशन की गई है, और जो प्लेयर ऑफ द नाइट थे कल के आसिफ अली, उनकी भी केक कटिंग की है सेलिब्रेशन, तो वो भी आगे भी जीते और अल्लाह हाफिज़।